कपड़े को खूबसूरती देने में जुटी है बुनकरों की टीम। कपड़ों पर कढ़ाई हो रही है, हाथों से कपड़ों पर एक से बढ़कर एक डिजाइन उकेरे जा रहे हैं। इन्हीं कपड़ों से तैयार होती है खूबसूरत पोशाक, जिनमें सज संवर कर सबका मन मोह लेते हैं लड्डू गोपाल। यूपी के मथुरा की हैं ये तस्वीरें। यहाँ हर साल कान्हा की खूबसूरत पोशाक इसी तरीके से तैयार की जाती है। कान्हा की सिर्फ पोशाक ही नहीं, बांसुरी, मयूर पंख, मुकुट और मालाएं जैसी एक से एक बढ़कर चीजें यहाँ तैयार की जाती हैं और देश के अलावा विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इस साल देश के इस बाजार से कान्हा की 300 करोड़ की पोशाकों और साजो सामान को देश के अलग अलग बाजारों में भेजा गया है। ये हमारा पुश्तैनी काम है, ये तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी में भी मुझे 40 साल हो गए। इसमें सितारे लगते हैं, रेशम लगता है, गिजाई लगती है, कोरा लगता है, दबका लगता है, पूरा टोटल मटेरियल, नगीने वगैरह ये सब यूज किए जाते हैं। इसमें एक पोशाक में करीब 8 आदमी लगते हैं। पोशाक जो है वो 20 रुपए से 15 रुपए से शुरू हो जाती है और हजारों की उसकी मतलब कीमत है। इसको NRI जो है वो विशेष रूप से जो हमारी जरदोजी की जो पोशाक है जिसमें के कढ़ाई होती है उसको विशेष पसंद करते हैं और वो काफ़ी महंगी जाती है। वो एक एक पोशाक हमारी 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार की। जन्माष्टमी से 2 महीने पहले मथुरा के इस बाजार में बुनकर और कारीगर अपने काम में जुट जाते हैं। कुछ साल पहले तक वाराणसी कान्हा के मुकुट बनाने की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था, लेकिन बेहतरीन कारीगरी और सस्ती लागत की बदौलत कान्हा की पोशाकों के अलावा दूसरे सामानों का सबसे बड़ा हब मथुरा और वृंदावन बन चुके हैं। अकेले मथुरा में ही छोटी बड़ी मिलाकर 500 से ज्यादा यूनिट हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं। यहाँ जो वैरायटी मिलती है, नई वैरायटी, जो नए कॉम्बिनेशन यहाँ मिलती है वो कहीं और उपलब्ध नहीं है। इस वजह से मथुरा से लेके जाना चाहते हैं, इससे कि इनके जो ठाकुर जी पोशाक पहने। यहाँ पैसे सभी जगह के लिए, सभी तरह के मुकुट, सभी तरह की पोशाकें, नेत्र, माला, कंठी, सभी तरह की सप्लाई जो है वो बहुत बड़े स्केल पे होती है। कनाडा है और अमेरिका है, सब जगह मतलब ये है यहाँ से ही सप्लाई होती है। नंदलाला के इस लिबास को जहाँ हिंदू कारीगर तैयार करते हैं तो वहीं करीब 80% मुस्लिम कारीगर अपने बेजोड़ हुनर के जरिए पोशाकों को तैयार करते हैं। एक तरीके से ये भाईचारे की एक शानदार मिसाल है। बहुत से लोग यहाँ वृंदावन के अंदर इसलिए रोलते हैं कि ठाकुर जी हमें झाड़ू लगाने पे ही रख ले। हमारी किस्मत ये कि ठाकुर जी ने हमें अपने कपड़े बनाने पे रख रखा है। और ये संदेश पूरे भारत को मैं देना चाहता हूँ भाईचारे का, कि अगर भाईचारा सीखना है तो हमारे वृंदावन से सीखें। हम मुसलमान होकर भगवान जी की पोशाक तैयार कर रहे हैं, यानी कि हमारा दिल साफ है और सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि बिना बेकार में लड़ाई वड़ाई सब बेकार चीज है। यूँ तो ये काम साल भर होता है, लेकिन जन्माष्टमी के सीजन में 15 से 16 घंटों तक ये लोग काम करते हैं और लड्डू गोपाल की बेहतरीन पोशाकें तैयार करते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।